हाय गाइस, वेलकम टू एडो मेडिसिन। तो अभी हम फेरडिनैंड टॉनिस, जो कि 1855-1936 तक जिंदा थे, उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही बड़े जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। तो इन्होंने क्या किया, ये थ्योरी जो है आपको थ्रू आउट सोशोलॉजी के बुक्स में दिखती रहेंगी और बार बार टोनिस का नाम आता रहेगा। तो इन्होंने दो वर्ड हमें बताए, एक था गेमेस्काफ्ट और दूसरा था गेसेलस्काफ्ट। अगर मैं रॉन्ग इसको बोल रही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट करिएगा मुझे कमेंट में, बिकॉज जर्मनी तो जर्मन की लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं, तो मेरे हिसाब से मैं इंग्लिश के भी हमें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब इनकी थ्योरी पे आते हैं। तो गेमेस्काफ्ट क्या था, तो गेमेस्काफ्ट का मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग लें, लेट मी टेक माई पेन, दिस वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कम्युनिटी। और जो दूसरा वर्ड था गेसेलस्काफ्ट, इसका मतलब क्या होता है, सोसाइटी, इसका लिटरल मीनिंग। लेकिन जो हमें टोनिस ने एक्सप्लेन किया वो इंटायरली इस वर्ड को एक अलग डायमेंशन में पहुंचा देता है। तो गेमेस्काफ्ट क्या होता है, अगर आप मेरे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो एक रूरल एरिया, एक सिंपल सोसाइटी, गांव या पुराने ज़माने की एंशिएंट टाइम की एक सिंपल सोसाइटी, जहां पे जो ब्लड रिलेशन थे, यानी जो खून से संबंधित रिश्ते होते हैं या मैरिज से संबंधित जो रिश्ते होते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, उनके भाई बहन, पूरी फैमिली जो किनशिप ग्रुप हम कहते हैं, या नेबरहुड, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी, जिस प्रकार से आप गाँव में या पहले ज़माने की सोसाइटी में देखेंगे, सिंपल सोसाइटी में। ठीक है, और यहाँ पे कॉमनवेल्थ चलता था, यानी सोसाइटी जो थी, सोसाइटी में कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो सबकी इच्छा शक्ति पे, या जो घर का बड़ा है उसने जो बोला वो चलता था। यहाँ पे फ्रेंडशिप, लव, टुगेदरनेस, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा जगह था। ठीक है, यहाँ कॉमन विल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर हम गेसेलस्काफ्ट की बात करें तो यहाँ कोई कॉमन विल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रहा है या सेल्फ इंटरेस्ट से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप गांव की तरह या सिंपल सोसाइटी की तरह एकदम क्लोज नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ के रिलेशनशिप में अमाउंट ऑफ लेबर या वैल्यू हमने पुट कर रखी है कि वो पर्सन कितना ज़्यादा वर्क करता है, लेबर करता है, कितनी मनी है, और इन सब चीज़ों से उसके रिलेशनशिप मैटर करते हैं या होते हैं। शहरों में लोग अपने आप में इंटरेस्टेड हैं, शहरों में या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में या अर्बन एरियाज़ में लोगों को बस अपनी पड़ी है। यहाँ पे जो वर्क है कि कौन क्या करेगा, वो बहुत ही हमें डिविज़न देखने को मिलता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड हमें फील्ड देखने को मिलता है, हर कोई अलग अलग प्रकार के काम कर रहा है। ठीक है, और ऐसा इधर नहीं था, यहाँ पे सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। कहाँ पे, गेमेस्काफ्ट यानी सिंपल या गाँव की सोसाइटी में और शहरों में, ये डिफरेंस ये बताते हैं। उसके बाद जो टोनीज हैं वो गेमेस्काफ्ट को सही नहीं मानते, सॉरी गेसेलस्काफ्ट को सही नहीं मानते, गेमेस्काफ्ट को बहुत सही मानते हैं। यानी गाँव को अगर सिंपल भाषा में बोलें तो गाँव या सिंपल सोसाइटी को बोलते हैं कि वो अच्छी थी, डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से जो फैमिलीज थी, जो किनशिप थी, जो नेबरहुड था, वो टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि लोग गाँव से शहरों की तरफ, सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की में आ गए, स्लम्स में रहने लगे, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं था, हर किसी को काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था और किसी के पास फैक्ट्रीज में काम करने की वजह से टाइम नहीं बचा, जिसको कार्ल मार्क्स के लैंग्वेज में एलिनेशन कहा जाता है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियोस में कभी बात करूंगी। और कहीं ना कहीं टोनीज जो ये चीज़ें हो रहे थे उससे प्रसन्न, खुश नहीं थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, क्योंकि उनकी एहसास से समाज और परिवार टूट रहा था। तो आई होप कि आपको टोनीज की थ्योरी समझ में आ गई हो। सिंपल है गेमेस्काफ्ट यानी गाँव, सिंपल सोसाइटी, और गेसेलस्काफ्ट मतलब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।